ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इट इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू सेक थीटा। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 8.3। एट पॉइंट थ्री पे आ जाइए पहले क्वेश्चन पर। नाउ साइन 18 डिग्री और है कॉस 72 डिग्री। तो ये बताओ कि जैसे अगर आपके पास साइन थीटा है तो उसे क्या कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो? साइन थीटा को तो लिख दूं मैं कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा तो 18 ही है ना, और नीचे लिखे रहो कॉस 72 डिग्री। तो क्या ऊपर भी कॉस 72 ही हो गया है? और हमने क्या लगाया कि साइन थीटा क्या होता है? क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा? जो थीटा था वो थीटा की जगह ही लिखा है, देख लो। तो ये वन हो गया क्या? साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस सेम थीटा। बोलो है बात। सेकंड देखो। अच्छा टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो प्रांजल मुझे बताओ टेन थीटा की जगह लिख मैं क्या लिखूं? बताओ टेन थीटा की जगह क्या लिखूं? ठीक है, कॉट 90 माइनस क्या लिखूं? वही लिख दो जो थीटा है, और नीचे लिखो कॉट 64 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? क्या कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री? और क्या ये वन हो जाएगा? समझ में आई बात? फर्स्ट वाला समझो। फर्स्ट क्या कह रहा है कि आ गया साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, लिखा है कि नहीं? तो ये लिख दिया। अब थर्ड देखो, ये बताओ कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन किसको नहीं समझ में आया था? बोलो, उसी उसी से पूछ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा बताओ जिसको नहीं समझ में आया था, कॉस थीटा की जगह क्या लिखूं? श्रेयान बताओ। हाँ बोलो, श्रेयान बताइए कॉस थीटा क्या होता है? साइन हाँ, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। हाँ सर हमें दिखाना है कि हमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन डाला है, फिर डायरेक्ट कर दें। देखो अगर ये साइड में लिख लोगे तो अच्छा है, कि कॉस थीटा क्या है ये तो दिखाना ही चाहिए, ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा बताओ? कॉस अब ये देखो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा से यहाँ ने बता दिया। अब 90 माइनस 48 करो क्या आ जाएगा? क्या साइन 42 आ जाएगा? और साइन 42 में से साइन 42 गया तो क्या बचेगा? जीरो। बताओ। तो नेक्स्ट आते हैं यश।
हमारे पास दिया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख दूं? यस अच्छा बताया है, सेक 90 माइनस थीटा और माइनस सेक 59 लिखते रहो। अब ये बताओ 90 माइनस 31 क्या होता है? और माइनस सेक 59 तो क्या हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा? yes, अच्छा सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सो सेकंड के फर्स्ट में टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री, ये चीज़ है हमें शो करना है। मैं इसको एल एच एस ले लेता हूँ और शो करता हूँ। टेन 48 को क्या लिखा जा सकता है? अब ये तो हाँ देख लीजिए, टेन थीटा को टेन 90 माइनस थीटा ही लिख दोगे क्या? बोलो क्या? हाँ आयुष आप ही बताओ, फिर सीख जाओगे। बताओ कॉट 90 माइनस 48 और नेक्स्ट वाले को भी बोलो 90 माइनस 23 डिग्री, बाकी को दो को छोड़ दो, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री, ये क्या आया? 90 में से 48 गया तो क्या आया कॉट का, और ये कितना आया? 53। चेक कर लो, थोड़ा बार्गेनिंग करो। 67। अच्छा टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री, क्या आपने ये बात कहीं पढ़ी है आयुष कि टेन थीटा इज़ 1/cot थीटा या cot थीटा इज़ 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन? तो cot 42 को क्या लिख दूं आयुष? वन बाई टेन 42 डिग्री, और फिर cot 67 को क्या लिख दूं? 42 ही लिखो, 67 डिग्री, और बाकी को ऐसे ही लिखो। क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कट रही हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो यही आर एच एस है, हैंस प्रूव्ड। तो अब इसी का सेकंड पार्ट के लिए हम सीजन को बोलेंगे कि वो हमारी मदद करें। 38 डिग्री 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो मैंने LHS ले लिया है स्टीजन, इन दोनों में सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ, आवाज आ नहीं रही आपके? अभी आई। इसे कुछ ना करो अब हाँ सिर्फ पैर। तो कितना हो जाएगा? तो साइन 52 बच रहा है और साइन 38, और माइनस में क्या बचेगा? क्या कट जाएंगे ये दोनों? एक ही तो है, प्रोडक्ट में ही तो है। तो जीरो। आर एच एस हैंस प्रूव्ड। रेसिप्रोकल समझो, रेसिप्रोकल रिलेशन भी समझ लो कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ पर मान लो थीटा है और ए बी सी लिख लो कहीं पर भी, तो बताओ टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे? ए बी बाई बी सी लिखोगे क्या? लेकिन किसने पूछा, यस ने पूछा है क्या?
यस। सर हाँ प्रवीण 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 से बताओ। पूछ रहे हैं हाँ तो प्रवीण बताओ, कॉट थीटा क्या है? सही बताया है। क्यों, इसीलिए तो नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी तक आपको कॉट थीटा ही नहीं समझ में आया है, तो आपको कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ पूछ रहे हो। सीधा पूछ लेते कि कॉट थीटा को सर क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस बाई बेस कहते हैं कि क्या कहते हैं, वही पूछते। पहली छोटी छोटी चीज़ तो क्लियर करो, बड़ी तो हम बाद में, ये तो बहुत कठिन चीज़ है। बताओ यश, कॉट थीटा क्या है? बी ए, तो बी ए भी एक ही चीज़ है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सो ये चीज़ वन हो गई, तो टेन थीटा कॉट थीटा वन हो गया, कॉट थीटा वन, तो टेन थीटा क्या हो गया, वन बाई कॉट थीटा, ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन, ऐसे सभी का बना सकते हो, या यहीं से कॉट थीटा लो तो वन बाई टेन थीटा, यहीं से आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी ले सकते हो, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो बताओ साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा प्रांजल बताओ क्या हुआ, साइन थीटा, हाँ अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा बताओ प्रांजल, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, अरे जो भी हो वो सब तो अच्छी बात, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हो आप। यश बताओ, हाँ बोलो, इतना ठीक है श्रेयान आप बताओ, इतना तो काफी बता, हाँ कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि वहाँ पर कोई खड़ा है तो उसके लिए वो बेस है, तो वो वहीं खड़ा है ना 90 माइनस थीटा पे, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो क्या राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो क्या लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी, बताइए, राइट तो सेम है ना, तो इसलिए साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, वैसे भी हम जानते हैं साइन 30 क्या कॉस 60 होता है, होता ही है भाई, हम कह दें साइन 30 तो क्या वो कॉस 90 माइनस 30 हो जाएगा, चेक करो क्या साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 हो जाएगी, तो होती ही है, कोई हमें ये रिलेशन ना भी बताता तो भी ये चीज़ें हमारे मन में ही हैं, जिसको टेबल पता है, बोलो। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को कुणाल आप कराइए, टेन टू ए इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, टेन टू ए को बदलवाओ कुणाल, और चलो हम, हाँ कॉट टू ए को बदलवाओ, टू ए ही यहाँ थीटा है, हाँ 90 डिग्री माइनस टू ए इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18, अगर दो चीज़ों के कॉट इक्वल होंगे तो क्या उनके एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे, क्योंकि जब साइन इक्वल है कॉस इक्वल है तो उनके आपस में जो कोशेंट है वो भी तो इक्वल होंगे, तो इस तरीके से ये तो कॉस बाई साइन होता है ना कॉट, तो क्या मैं 90 माइनस टू ए को ए माइनस 18 लिख दूं, चलो अब 90 जहां है वहीं पर 18 ले आओ, और ए जहां पर है वहीं पे क्या ले जाओ, 2a, तो ये बताओ 108 डिग्री कितना हो गया, तो फिर ए कितना हो गया,
क्या ये 36 डिग्री हो गया? और यही पूछा गया था। अगर ऐसी बात है तो अनीशा, टैन ए को कॉट बी लिखा गया है, इस सवाल को जरा थोड़ा सा मदद करो टू प्रूव करने में। ए तो करें। अनीशा है क्या? हाँ बोलो अनीशा। नाइन्टी डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट बी। अब आगे क्या लिखें? आगे क्या लिखें? एक ही बात है, ए प्लस बी। क्या प्रूव हो गया है? चलिए नाउ सेक 4A, अस्मित, सेक 4A को लिखा गया है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। सो ए की वैल्यू बतानी है, अस्मित बताइए। अस्मित आप? हाँ बोलो। कॉसेक 90 माइनस 4A, चलिए लिख दिया आपके कहने पर। अच्छा अब आगे क्या करें? चलो 90 माइनस 4A को मैंने ए माइनस 20 डिग्री लिख दिया। डिग्री डिग्री एक तरफ। हाँ बोलो। ये नहीं आता है, लेकिन आगे जब 11th में जाओगे ना, अभी हमने कहा आपको 11th की बुक दिखाई थी ना उस दिन, तो चीज़ें इंटरवूवन हैं। हम ये नहीं चाहते कहीं गैप रह जाए, आपको कॉन्सेप्ट की स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए आगे चलने पे। ज़रा सा 5 मिनट की एक्सरसाइज है और आपके मन में अकुपाइड अगर डर बैठ जाएगा कि ये नहीं आता है, क्यों हम 5 मिनट के लिए रिस्क लें? आगे धड़ल्ले से जाओ 11th 12th में। जिसको मैथ लेनी मैथ लो, 2 सवाल और बचे हैं, 5 मिनट में ख़त्म एक्सरसाइज। कोई कोई मन में हिच रह गया? बोलो कॉन्सेप्ट, क्योंकि चीज़ें पूरी इंटीग्रल हैं। आपको किसी भी एरिया में जा रहे हो तो सब चीज़ें जाननी चाहिए कि नहीं? तो देखो हमने इसीलिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सिखा दिया कि वो क्या है। अब कहीं भी जाओगे तो कर तो लोगे कि नहीं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 110 डिग्री, हम तो 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से तो नहीं हटाया गवर्नमेंट ने, आपके में से हटा दिया, तो बच्चे बाद में दिक्कत होती है उनको। 110 और ये बाई 5 है तो कितना हो गया बताओ? ये समझ में आई बात कि नहीं? एंगल इक्वेट कर दिया, एंगल एंगल एक तरफ ये उधर, तो ए कितना हो गया? 22 डिग्री हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। अगर इंटीरियर एंगल होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सृजन, अब हमें दिया गया है साइन बी प्लस सी बाई टू, इट इज़ इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। तो हम यहाँ पर बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देख के बताओ जरा सृजन। वन एट्टी माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं? देख लो बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो। समझ में आ गया? आ गया, आ गई। मैं दूसरों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया, और बाई टू दैट इज कॉस ए बाई टू, ठीक है। अब मैं बाई टू दोनों में करूँ तो क्या होगा? नहीं कटेगा। 180 बाई टू कितना होता है? 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। आप क्या बोलो सीजन? ऐसे नहीं होता है, बाहर से 2 से इंटू करने थोड़ी होता है। ये एंगल का 2 है, तो एंगल के 2 के लिए बाहर से करोगे तो भी एंगल में जा ही नहीं पाएगा, वो बाहर बाहर ही रहता है। ये नहीं तो बाहर की चीज़ अंदर, अंदर की चीज़ बाहर ना हो जाती। जैसे आप ही ने तो बताया था ना, साइन ऑफ किसी चीज़ का अगर ऑफ है,
हाँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता भी है कि मान लीजिए कि साइन 45 इज इक्वल टू क्या कॉस 45 होता है, बोलो ऐसा होता है। और किसी ने कहा हमने यहाँ भी 2 से इंटू कर दिया, यहाँ भी 2 से इंटू कर दिया, ऐसा करके वो बोलेगा हम तो अंदर ले जाएंगे, हम बाहर नहीं रखेंगे। तो उसने कहा देखो हमने जादू कर दिया, दोनों इक्वल नहीं होते थे फिर भी मैंने जादू किया है, ये मेरा जादू है। उसका जादू चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो क्योंकि ये फार्मूला ही गलत हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो हम आगे की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ आ गया सीजन, तो बताओ क्या करें, बताओ साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखें? सीजन एक ही बात है, चलो साइन को ही कर लो। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस ए बाई टू। लेकिन इससे तो क्या हो गया, देन शो दैट कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमने शो कर दिया, ठीक है। तो वास्तव में हमें राइट हैंड साइड लेनी ही नहीं चाहिए थी, मैं लेफ्ट से ही चलता रहूं और लास्ट में राइट आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? हम राइट को क्यों लें, जैसे हमारी कन्वेंशनल आदत बनी हुई है, क्यों ना मैं वही करूं, बोलो। एल एच एस ही लो और उससे दिखा दो कि हम आर एच एस पहुँच गए हैं। तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ लिख दो आर एच एस, बोलो ये सही है कि नहीं? यहाँ लिख दो एल एच एस और यहाँ लिख दो आर एच एस, साइंस प्रूव हो गया। पहले ये लो फिर इस, हाँ तो हमने यहीं से तो शुरू किया ना, बी प्लस सी बाई टू, एल एच एस लिया कि नहीं? फिर क्या सीजन ने बी प्लस सी को क्या लिखा बताओ, आप ही के सामने, तो सीजन ने बी प्लस सी को क्या लिखा, बोलो गलत किया कि सही किया सीजन ने? तो लिखा ना उसने 180 माइनस ए बी प्लस सी की जगह। अब देखो 180 बाई टू को क्या लिख सकते हो, फिर ए बाई टू भी आ जाएगा। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आया कि नहीं आर एच एस? अगर किसी को दिक्कत है तो दूसरा मेथड बताएं, दूसरा ही समझो, ये मेथड ही अच्छा नहीं था। चलो तो हमारे, चलिए हमारे पास क्या है कि एल एच एस की साइन बी प्लस सी बाई टू है, एल एच एस ले लिया। अब इसे आप क्या लिख लें, क्या कॉस वन समथिंग है, तो कॉस 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू, बोलो लिख सकते हो, बताओ। साइन साइन सॉरी साइन थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है, ये बोलो ठीक है, 90 माइनस थीटा। साइन थीटा क्या कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा अब अंदर ही अंदर एलसीएम लो, तो 2 का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बोलिए सही बना? अच्छा आप मुझे बताओ 180 माइनस बी प्लस सी क्या है, जो जो 180 माइनस बी प्लस सी नहीं जानते हो वो ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। देखो ये भी लिख सकते हो क्या, बताइए। और ए अभी ए ये बी और सी कट गया क्या, और ए बच गया, तो ए बाई टू बचा, यही लाना था क्या? क्योंकि जो 180 डिग्री है वो तीनों एंगल का सम है, अगर चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये लगा लो, या सीधा 180 माइनस बी प्लस सी को क्या लिख दो, ये भी सुविधा दी गई है। ए सीधा ए लिखना ज़्यादा पसंद करोगे,
तो सीधा लिख दो, वो मेथड कराएं कि सब कर लोगे। हैं लो आर एच एस लो, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हो बताओ। आपस में एल एच एस को आर एच एस के प्रूफ करना है, ए को क्या लिख सकते हो, क्या 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हो, जहाँ दिक्कत हो तो बताना। ए को लिखा है, टू से कोई मतलब नहीं, ये लिख सकते हो कि नहीं। Yes, बाकी दो एंगल को जोड़ के 180 से घटा दो, तीसरा एंगल आ जाएगा। सर मुझे समझ नहीं आया ये। अब समझो, नहीं समझ में आने के लिए तो किया जाता है फिर। ठीक ठीक ए बी सी, क्या ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो ए को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या। अच्छा इसे क्या ऐसा लिख सकते हो, कॉस 180 डिग्री बाई टू और माइनस बी प्लस सी बाई टू, क्या इसे कॉस 90 डिग्री लिख सकते हो और माइनस बी प्लस सी बाई टू। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या यही एल एच एस है। अगर न पसंद आया हो तो दूसरा मेथड बताएं। है सर सब एक ही जैसे मेथड है, घूम घाम के वही तो बताते जाने को। एक तरफ से चलो दूसरी तरफ पहुंच जाओ, किसी ने कहा हमें आर एच एस से एल एच एस पहुँचाओ, उनको हमने पहुंचा दिया, किसी ने कहा एल एच एस से आर एच एस पहुँचाओ, उनको पहुंचा दिया। आप जैसा चाहें हम वैसा करा दें, कहीं एक तरफ से चला जाता है दूसरी तरफ पहुंच जाया जाता है। अब नाउ यू शुड सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि एक हमने ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल में ए सी और बी है, तो ये मुझे बताओ कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा डिवाइडिंग थ्रू आउट, इस पूरे में मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, चेक करना जरा ए सी स्क्वायर। इसलिए जस्ट ये देखो, मैंने इधर भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और उधर भी किया, बोलो। अब क्या ये जो इधर का ए सी स्क्वायर है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उधर वन आ गया। ये बताओ ए बी बाई ए सी क्या होता है, यहाँ से देख के कोई मुझे बता सकता है कि ए बी बाई ए सी साइन थीटा भी हो सकता है। मान लो अगर आप थीटा लेना चाहो तो थीटा ले लो, यही थीटा लिख लो, यही तो एंगल है ए बी बाई ए सी। और नहीं तो साइन सी भी लिख सकते हो, आपके आपकी सुविधा है इसे साइन सी भी लिख सकते हो। तो ए बी बाई ए सी को क्या लिख दूँ, साइन थीटा लिख दूँ और इसका स्क्वायर कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा लेकिन मुझे कुछ लोग बताएं बी सी बाई ए सी को क्या करूं, तो कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों ओर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वन, तो ये एक तरीके का स्क्वायर रिलेशन है। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, एक पहले सवाल किया था कितने वाला था, जैसे 29 स्क्वायर 881 था, कितना था 20 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर और 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर वाला सवाल, वो नहीं था एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को वन प्रूफ किया था, यही था। तो एक चीज़ हमने कर ली, लेकिन आप मुझे बताओ कि किसी ने गलती से अगर इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर में
किसी ने अगर पूरे में ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया होता तब क्या होता? सब में उसने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने ए सी से किया, लेकिन प्रवीण ने कहा हम तो ए बी से करेंगे, हम ए सी से क्यों करें, तो क्या यहाँ वन हो जाता? और फिर बी सी बाई ए बी क्या होता? बी सी बाई ए बी। अब आप जाने, हमको इतना आता नहीं, इसलिए हैं कॉट होगा। और लेकिन फिर ए सी बाई ए बी क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये भी एक रिलेशन हो गया? फिर उसके बाद आयुष ने कहा आपने ए बी से किया, उन्होंने ए सी से किया, चलो हम बी सी से करके देख लें, हम भी एक फार्मूला बना लें, मेरा भी नाम हो जाए। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसमें आयुष ने इस बार बी सी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी सी, तो पूरे में बी सी से डिवाइड कर दिया, बी सी स्क्वायर से। ऐसा करने से क्या होगा? क्या ए बी बाई बी सी क्या होगा? यहाँ देखो जरा, ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा? तो टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो वन आएगा ना, और इधर क्या आएगा? ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी क्या होगा? सही सही बताओ, कॉट तो नहीं होता है, कॉट तो, कॉट में तो हाइपोटेनियस आता ही नहीं है, कॉट कैसे होगा ना? हाँ, आपका तो हमने सुन लिया सीजन, सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमारे पास थ्री रिलेशंस आ गए। एक क्या है बताइए, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? वन। और एक है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हमारे थ्री रिलेशन हो गए सीजन। इनमें से कोई दो रिलेशन बिना देखे बता सकते हो? फिर से बोलो जरा, ये दूसरा फिर से बोलो। अच्छा अनीशा, तीनों रिलेशन बताओ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कुणाल बोल रहे हैं? हाँ बोलो कुणाल। हाँ कॉसेक नहीं होगा, टेन टेन के साथ सेक आएगा, और सी सी वाले एक साथ रहेंगे, सी सी वाले कॉट और कॉसेक को एक साथ रखो, समझे? बोलो। हाँ फिर से बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए, यस एक बार बताओ। कॉसेक बोलो ना, दोनों सी सी क्यों नहीं लेते हो? अभी ये जो चीज़ है, ये एग्जाम्पल 12 से आपको याद हो जाएगी, तीनों रिलेशन, क्योंकि वहाँ इसका भरपूर इस्तेमाल है। एग्जाम्पल 12 पे आओ। एग्जाम्पल 11 कहाँ है? अभी तो सेवन्थ क्वेश्चन भी बचा हुआ है, सेवन्थ हम लोगों ने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, तो पहले सेवन्थ कर ले फिर आगे बढ़ें। सेवन्थ करो। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? क्या साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री है, इसको क्या लिखो? इन दोनों को बदलो, कह रहा 45 से नीचे के एंगल में एक्सप्रेस करो। तो बताओ साइन थीटा को क्या लिखोगे? 90 माइनस 67 डिग्री लिख लोगे, और कॉस थीटा को क्या लिखोगे?
ठीक है 75 डिग्री। ऐसा करने से क्या ये 45 से कम में आ जाएंगे? अब देखो ये चीज़ कितना आ जाएगा, 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री। ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, लगा दिया है। चलो ये चीज़ हो गई, सो हमने एक्सप्रेस कर दिया है। अब ऐसा ही एक है एग्जांपल 11, एग्जांपल 11 से पहले 9, 10 और 11 भी कर लें। एग्जांपल 9 देखो। हाँ बोलो। गलत हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, वो कहीं ना कहीं टीचर काट लेगा, इरिटेट होता है टीचर, आपके मार्क्स से आपके कट जाएंगे, कोई वो नहीं है। इसलिए मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरी भी आदत पड़ चुकी है, फिर भी मैं कई कई जगह ठीक कर लेता हूँ, लेकिन कई जगह अब जैसे सी थोड़ा सा इसका फॉन्ट ऊपर हो गया तो कहीं कहीं एस बड़ा हो जाता है, ध्यान रखता हूँ लेकिन हो ही जाता है कहीं कहीं ठीक। टीचर मार्क्स कहीं ना कहीं काट लेगा, मतलब आप का एक नंबर जैसे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होके कटता है नंबर। आप जैसे मैं भी चेक करता हूँ ना, तो ये नहीं देखता हूँ, लेकिन पुरानी गलती याद रहती किसने क्या किया है, और लेकिन उसकी वो उतनी बड़ी गलती नहीं कि हाफ मार्क्स की है, अगले में उसने छोटी सी गलती कर दी तो वहाँ हाफ कट जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? सभी टीचर का यही है, तो वो ध्यान रखते हैं कि ये बच्चा इन चीज़ों पर क्या है कि मैथमेटिकल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो बात वो देखते हैं। अब देखो इवेलुएट करो टैन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। आयुष पूरा करवाओ सवाल, क्या करूं? आयुष, प्रांजल, एम आई ऑडिबल? आई थिंक नॉट ऑडिबल। साइन 3 को कॉस 90 माइनस 3 लिख दिया। नेक्स्ट, दोनों तरफ कॉस हो गया है, आगे बोलो। चलो 90 माइनस 3 ए व्हेन कॉट बी इज इक्वल टू कॉट क्यू, तो बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल एंगल को इक्वेट करो, ठीक है? तो 90 प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 ए, तो क्या हो जाएगा ये 90 और 100 116 डिग्री, तो 4 ए, तो 116 डिग्री बाई 4 इट इज़ इक्वल टू ए, 4 से कट करो, 4 2 जा 8 और ये 36, 4 9 जा 36, तो ए कितना हो गया? चलिए एग्जांपल 11 नाउ, कुणाल आप बताओ, कॉट 85 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, इनके एंगल्स को आप जो है 45 से नीचे में कन्वर्ट करो। नाइन्टी माइनस एट्टी फाइव डिग्री सेक होता ही नहीं है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं पता है। कॉस थीटा, आप रेसिप्रोकल रिलेशन में चले जाते हो, सो टेन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये 45 से नीचे पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 12 पे आ जाओ। एग्जांपल 12 कहता है कि साइन ए के टर्म्स में कॉस ए टेन ए और सेक ए को व्यक्त करो, एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्या आप ये मुझे बताओगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ऐसा कोई आपने वन होता है तो हमें ये बताओ कि कॉस स्क्वायर ए क्या होगा?
कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन उधर चला गया, तो कॉस ए को लिखो, कॉस ए क्या होगा, और बाहर क्या प्लस माइनस आ जाएगा, बताओ बताइए। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, क्या इधर रूट लग जाएगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस में कॉस थीटा कभी निगेटिव देखा है कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता तो है, टेकिंग पॉजिटिव ही होता पॉजिटिव साइन ओनली, तो कॉस से क्या हो जाएगा, देखो बुक भी यही कर रही है, बुक भी लिख रही है कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, वैसे वो वाई लिख रही है, वाई का मतलब है कि खुद लिखो, वाई कई बार लिख देती है बुक, तो ये चीज़ हो गई। क्या मैंने कॉस को सिर्फ टाइम साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, बोलो, कह रहा है सब चीज़ को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, लेकिन दिक्कत ये है मैं टेन को कैसे करूं, टेन ए को क्या मैं साइन ए बाई कॉस ए कर सकता हूँ, टेन ए टू साइन ए बाई कॉस साइन लिख थीटा सकते बाई हैं, कॉस थीटा हो गया ना, होता है कि नहीं, हो गया और साइन ए को मैं साइन ए ही लिखता रहूं, लेकिन कॉस ए को क्या लिखूं, सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में लगता लिख है। दूं, तो क्या मेरी बात बन जाएगी, अब टेन ए पूरी तरीके से साइन के टर्म्स में व्यक्त हो गया है। ये बात समझ में आ गई, हैस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन ए सोलेली। हाँ हाँ तो एक कर लेना, जो आएगा वो कर लेना, लेकिन ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, इससे क्या होता है ना, ये जो तीन रिलेशन ऊपर बताए हैं इनकी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि अब हम लोगों ने टैन कर दिया, अब कौन सा बचा है, कॉस सेक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि 1 प्लस, जैसे सेक है क्या होता है, क्या 1 बाई कॉस से होता है क्या, लेकिन कॉस से क्या होता है, अब ये दिक्कत आ गई श्रेयान, वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या आपने सेक को भी एक्सप्रेस कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो तीनों एक्सप्रेस किए सबको हाईलाइट करो, और अभी भी इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। सो एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन, नाउ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हम इसको सीजन से कराएंगे, साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सबको कॉट ए में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले सबसे सरल क्या उसे ही करो, बोलो जो आप कहोगे हम वही करेंगे, उन्हीं को बताने दो, एक से फिर हमें पता चलेगा ना, फिर सब सीख जाएंगे, एक सीख जाएंगे, तो टेन ए को बोलो, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, टेन ए को एक्सप्रेस कर दिया क्या कॉट में, अच्छा टेन को तो आपने एक्सप्रेस कर दिया, अब हम बात करते हैं कि अब हमें सेक ए को करना है और दूसरी चीज़ों को करना है, तो एक बात बताओ, एक आपके पास क्या ये रिलेशन है कि वन, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, आप ये कह रहे हैं ये कर लो, क्योंकि टेन आ गया तो सेक आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, फिर मैं टेन ए की जगह क्या रख दूँ, कॉट स्क्वायर ए कर दूँ क्या, अच्छा अब इनका एलसीएम ले लूँ क्या, कॉट स्क्वायर ए, तो दिस इज कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस वन आ गया, अगर मैं इसे सिर्फ सेक ए लिखूँ तो यहाँ रूट लिखूँ,
तो ऊपर रूट तो नहीं निकाल पाओगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ कॉट के टर्म्स में चाहिए, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर है होता है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा ना। अभी वो फिर पूरा हम बता देंगे। ये देखो सेके, तो इसे क्या लिख लें, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन कॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू सेक ए। ये हो गया, हम इसे दूसरी तरीके से करते हैं, ये तो सीजन ने बताया तो हमने ऐसे कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? ऐसा कोई कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो अब ये मुझे बता दीजिए, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? और इसको ऐसे ही लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई बन, क्या चीज़ों को मैं पलट दूं दोनों तरफ? बताओ, ये फार्मूला तो पता है ना, इससे तो फैमिलियर हो, अभी कराया था कि दोनों तरफ सी सी होना चाहिए। तो अब पलट दोगे तो क्या होगा, क्या वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा? बोलो। और उधर क्या साइन स्क्वायर हो जाएगा? तो बताओ साइन ए क्या हो जाएगा, क्या रूट? बताएं, तो रूट पूरे में लगेगा, वन पे रूट का कोई मायने नहीं है। तो क्या आपने साइन ए को व्यक्त कर दिया है कॉट के टर्म्स में, और टैन ए को पहले ही व्यक्त कर चुके हो? बोलो। ये वाला ऊपर ऐसे ही है, ये फर्जी काम है, इसको मत देखो, हम इसको कराएंगे। भाई सीजन ने कराया है तो सीजन ने कराया, हमने कर दिया है, बड़ा अच्छा काम, बड़ी डायरेक्टली और बड़ी फेयरली काम कराया गया। देखो इन्होंने कहा कि हमें टेन पता चल गया, तो हम सेक क्यों नहीं पता कर सकते? कितनी अच्छी बात करी है, ध्यान दो जरा, क्या ये रिलेशन पता है? और टेन की जगह वन बाई कॉट स्क्वायर किया, और फिर इसका एलसीएम लेके रूट ले लिया, इससे सुंदर क्या बात हो सकती है? लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो उनके लिए दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। इन्होंने कितना अच्छा बात कही है, बोला टेन पता चल गया तो अब सेक पता कर लो, जिसके माइंड में लेकिन तीनों रिलेशन हो वही तो ये सोच सकेगा। बताओ टेन पता चला कि नहीं, और टेन के बाद सेक नहीं पता चल सकता क्या? इससे टेन की जगह क्या रखा, टेन पता चल गया, शक पता चलने में कितनी देर है? जिसको अर्थमेटिक से आती है तुरंत पता चल कर लेगा। टेन की जगह वन बाई कॉट लिखा, खटाखट सीजन ने इसका एलसीएम निकाला, बोला रूट लगाओ, काम बन गया। कहो तो फिर से यही बता दें, यही समझ लो। देखो क्या ये बात आप मुझे बताओ कि अभी तक आपको टेन पता चल चुका था कॉट के टर्म्स में, तो टेन ए वॉज वन बाई कॉट ए था। अच्छा टेन पता चल गया, सेक निकालना है तो क्या करोगे? क्या इस चीज को जानते हो, कभी पढ़ा है सेक स्क्वायर ए? तो मैं टेन की जगह वैल्यू डाल दूं क्या, कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए? अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमसे तो इतना कठिन नहीं होता है, मैं सीधा रूट लगा देता हूँ और टीचर अपना करते रहें, वो भी सही है, कहते हैं यहीं छोड़ देंगे, कॉट तो बन ही गया है। बोलो। देखो कर सकते हैं, लेकिन कोई टीचर अगर कहेगा नहीं ये गलत है, तो फिर उसके लिए हम कर रहे हैं। अब अंदर ही अंदर देखो, कॉट स्क्वायर है तो वन बाई वन, वन से कॉट स्क्वायर में डिवाइड करो तो क्या आएगा, और इससे इसमें करो तो वन, और फिर पूरे पे रूट लगाओ तो सेके। अब ये बताओ नीचे का स्क्वायर रूट से कट जाएगा क्या, और ऊपर नहीं कट पाएगा? किसी को दूसरा मेथड चाहिए तो दूसरा बता दे, वरना जो लोग सेटिस्फाइड हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है। हैं? जो इस वीक पढ़ाया गया है इसमें तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बार
मोस्टली मैं मैथ का पहले करूंगा, मैथ से जगह बचेगी तब साइंस आएगी। इतना ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा और कुछ उसमें से स्पेस रहेगा तब साइंस का चांस आएगा। अब देखो, अगर अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन से हमारा ट्रिग्नोमेट्री भर गया तो फिर साइंस को जगह नहीं मिल पाएगी। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई? पहला सवाल, डाउट है तो फिर से पूछो, वरना अगला सवाल भी ऐसा ही है, उससे समझ में आ जाएगा। चलो, दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ सेके। तो लगाओ ना 2a, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कहाँ पे लगाना है बोलो। यहाँ पे लगा दें तो ये स्क्वायर से हमने हटाया है, मतलब स्क्वायर भी लगा दें और स्क्वायर या रूट, यहाँ स्क्वायर लगा दें, रूट लगा दें, यही चाहते हो ना कि काट दें स्क्वायर को रूट से? ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ सेके। ये ईशान से पूछेंगे, ईशान से हमने बहुत देर से कुछ भी नहीं पूछा। अरे टैली तो इसमें 3 निकाला था आपने, सेक और टैली निकाला तो क्या इसमें 3 चीजें निकाली थी ना शायद, साइन नहीं था। साइन? साइन साइन वहां निकाल दिया था, साइन अभी पीछे निकाला है कि नहीं? ये देखो, 1 cot² को इधर, फिर 1 sin² कर दिया और फिर पलट दिया, बोलो है। अच्छा ईशान, एम आई ऑडिबल? तो फिर आप बताओ, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन इसे करवा दो, पूरा एग्जीक्यूट करो। सेकंड क्वेश्चन है, सबको सेक के टर्म्स में, सबसे आसान क्या है सेक के टर्म्स बदलना, वो बताओ पहले। सब चलो, तो कॉस ए को क्या लिख दूं? उन्हीं को बताने दो ईशान को, 1 sec। ये हमने लिख दिया, अब क्या करें? अब स्क्वायर रिलेशन बताओ सेक का, उससे भी एक चीज मालूम पड़ जाएगी, बोलो। ईशान बोलो, हाँ आ तो रही है, बोलो, आवाज आ रही है, बोलिए आप। चलो, 1 tan² a इज इक्वल्स टू sec² a, तो फिर tan² a क्या हुआ? -1, तो फिर tan a क्या हुआ? √sec² a -1, या तो यहाँ प्लस माइनस साइन लगाओ और नहीं तो यहाँ लिख दो सीधा, क्या चीज, एक ना एक चीज लिखनी पड़ेगी नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी, साइन। तो ये लिख दिया, क्या ये tan a भी आ गया, cos आ गया, tan आ गया। अब और कौन सा करना चाहते हो, अगला बताओ ईशान। cot कर लोगे? बताओ। हाँ, कॉट ए को क्या लिख दें? 1/10, लेकिन वह टेन ए क्या है? √sec² a - 1 है। चलो, हमने कॉट निकाल लिया। अब ये बताओ, मेरे पास कॉस है, क्या मैं साइन निकाल सकता हूँ? ठीक है, sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1, लेकिन cos² a क्या है? ये तो ठीक नहीं बता रहे हो आप, 1 sec होता है, आपको रेसिप्रोकल रिलेशन पता नहीं है, देख लो। तो फिर sin² a क्या होगा? sec² a। अब एलसीएम ले लें, sec² a - 1, और रूट भी ले लें, और यहाँ लिख लें साइन ए, और यहाँ लिख लें कि टेकिंग, पता नहीं कटेगा
पॉजिटिव वैल्यू, ये बात सही है, ऊपर का नहीं कटेगा। देखिए अब क्या बच गया, साइन भी निकाल लिया, इसको भी हाई लाइट कर दो, साइन बढ़ गया तो इसको पलट ही देंगे, उसमें क्या इशू है। अच्छा कॉट ए का हमने नहीं लिखा, अलग से कॉट ए का लिख लेना चाहिए था हाई लाइट करने के लिए। तो कॉट ये आया है, ये टेन ए को हाई लाइट किया, 1 2 3, और कॉट ये है ना, निकाला है तो उसको अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा ना कि कॉट ए क्या है। 1 बाई रूट sec² a-1, इसको ऐसे हाईलाइट कर दो, 4 हो गए। एक एक कौन सा बचा, कॉसेक, तो इसी को पलट दो साइन को। सो कॉसेक ए क्या है, दैट इज कॉसेक ए, इट इज 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, चाहे तो 1 बाई साइन को पूरा ऐसे लिखो, और नहीं तो सीधा ही पलट देते तो भी अच्छा रहता। चलो ठीक है, अब अगली बारी में पलट दो, बोलो कहीं पूछना है स्मित तो पूछ लो, ये समझ में आ गई है बात। तो हमने सारे निकाल लिए, 5, 1 2 3 4 5 सब हो गए, छः तो सबको, तो सबको सेक में किया, आप सेक को भी सेक में कर दें, लो कर दिया, सेक इज इक्वल टू सेक, छठा भी हो गया। अब तो ठीक है, छः भी होगा, जब एक के टर्म्स में सबको करोगे तो 5 ही बचेंगे। चलो अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, थर्ड, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17, तो क्या होगा, प्लस ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, डिग्री ये सब, ये चीज़ तो हर बार मना की जाती है, ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं करना, एंगल एंगल नहीं जोड़ना, साइन के कवरेज में है, उसकी ढाल है, जरा सा भी गलत करोगे तो, जितनी चीज़ बताई गई है उतना ही करना। 6 रेसिप्रोकल रिलेशन बताए गए हैं वो करोगे, 6 आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताए गए हैं वो करोगे, और 3 स्क्वायर रिलेशन, इसके अलावा जो भी करोगे सब गलत है, कुछ भी कर दोगे वो गलत ही होगा, क्योंकि अभी जब आगे की 11th के चैप्टर में चलोगे, इसके आगे फिर और 50 फार्मूले बनेंगे, अभी तो आप 5-6 में काम चला रहे हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस्ड है, तो तब फिर आप देखना वो सब बनेगा, इनके लिए बने हैं फार्मूले। तो जो चीज़ आप कह रहे हो इसका, जैसे आप ऐड करने के लिए नहीं कह रहे हो कि आपने कहा कि साइन सी प्लस साइन डी को कैसे ऐड किया जाए, बोलो ऐसा कह रहे हो कि नहीं, तो वो 2 sin C + D/2 cos C - D/2, समझ में आई बात, ऐसे बनते हैं फार्मूले, ऐसे सिंपली ना ऐड कर देना, और ना जाने कितने सारे फार्मूले हैं। चलो अभी हम उन सब पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, यहाँ पे बात करो, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अच्छा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस कॉस 90 में, तो मैं इसको क्या लिख दूं, कॉस बताओ 27 डिग्री, तो बोलो पिछली एक्सरसाइज काम में आ रही कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कि हम नहीं कर रहे, फिर दिक्कत होती है आगे की एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे कॉस को बदलो जरा, तो क्या लिख लें, कॉस थीटा क्या होता है, स्क्वायर भी लगाओ, कॉस को क्या लिखेंगे, 90 - थीटा, 17 ही लिखोगे ना, और स्क्वायर का स्क्वायर रहा, और कॉस स्क्वायर 73, तो बताओ क्या क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 73 है, सॉरी 63, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर में, ये कितना आएगा 63, और नीचे क्या आ जाएगा,
73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। प्रवीण मुझे बताओ, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 से कोई फार्मूला बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? ये बताओ आयुष, आप सर बताओ। हाँ क्या बताया आपने? वन बाई वन ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो वन आ गया। बोलो। चलो इसी का सेकंड पार्ट भी देखो कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अच्छा ये सब साइन बदल लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस को साइन में बदलो अस्मित। साइन 90 माइनस 65। अब मैं आगे क्या करूं? आगे भी तो कुछ बताओ। सर अब साइन को कॉस में बदल दें। ठीक है, कॉस 25 जिससे दोनों कॉस हो जाएं, तो इसे लिखो साइन थीटा को क्या लिखें? यश 90 माइनस 65 डिग्री, तो मैं इसे लिख देता हूँ साइन 25 इंटू साइन 25, और ये क्या हुआ? कॉस 25 इंटू कॉस 25। क्या साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा क्या? और ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। लेकिन प्रवीण इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ कुणाल, बोलो। वन। तो इस तरीके से होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। कुणाल सेक स्क्वायर ए क्या होता है? कोई फार्मूला है आपके पास सेक स्क्वायर ए का? कुणाल नहीं है? प्रांजल के, प्रांजल के पास, प्रांजल के पास बताओ। नहीं, सेक स्क्वायर ए का बताओ मुझे। टेन स्क्वायर ए होता है और माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए, तो इसे क्या लिख सकते हो? नाइन प्लस नाइन टेन स्क्वायर ए क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताओ। सेक स्क्वायर ए को क्या वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? ऐसा कोई ऐसी जुगत है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आपको सवाल आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आ पाएगा। सेक स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकते हैं और फिर खोल के काट दो। बताओ सेकंड देखो। अच्छा वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का है? वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा क्या कहा है? वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। टेन थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रांजल बताते जाइएगा। और सेक थीटा को क्या कहते हैं? वन बाई कॉस थीटा। यहाँ पर भी बताओ। और यहाँ वन बाई साइन थीटा को वन बाई टेन थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी आगे के सवाल हैं हम सबको साइन कॉस में बदलेंगे, यही ट्रिक है। अब आगे जितने भी सवाल आएंगे उनको हम किस में बदलेंगे?
साइन कॉस। तो अब जरा देख, कैसे मतलब सर समझ नहीं आया नहीं इसमें टैन को क्या लिखा, साइन बाई कॉस, और सेक को ये लिखा वन बाई कॉस, और कॉट को ये लिखा और कॉसेक को ये लिखा। क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ, फार्मूले नहीं समझ में आए क्या? ठीक है, तो अब कॉस ए अगर हम कॉमन ले लें, कॉस थीटा, सर। तो ग्रीन को भी नीचे कर दीजिए हाँ ये देखो कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? सर, कॉस थीटा सर प्लस साइन थीटा प्लस वन सर, और यहाँ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। इसको एक टर्म लो और इसको भी एक टर्म लो, बताओ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होता है? तो एक्स, पहले तो एक्स ही लिख लो, और एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, बोलो सही लिखा? क्योंकि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा एक साथ लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ इसके आगे इसका यस, नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, क्या नीचे कहाँ नीचे स्क्वायर, स्क्वायर नहीं नीचे आएगा कहाँ से आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सर। ए प्लस बी माइनस बी करें तो उसका स्क्वायर करें तो नीचे नहीं करेंगे क्या? नीचे तो ये सब प्रोडक्ट है ना, तो ऊपर फार्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे मल्टीप्लाई, सब पूरा मल्टीप्लाई है, नीचे एक चीज़ नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर से, लेकिन ऊपर की मल्टीप्लाई पे एक आइडेंटिटी लग गई, और नीचे कहाँ आइडेंटिटी लग रही है? नीचे होती तो लगा ही देते। अब यस इसको खोलो, बताओ क्या लिखें? अरे इसको तो खोलो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, ए प्लस बी को, कॉस थीटा सर, कॉस का हाँ ऊपर कॉस ऐसे नहीं बताया जाता है, कॉस थीटा थीटा ए प्लस प्लस बी के साइन स्क्वायर को थीटा खोलो, थीटा सर प्लस टू साइन थीटा हाँ कॉस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, नहीं लिखोगे? और माइनस वन और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, किसी बच्चे ने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को वन से सीधा काट दिया, क्या उसने सही किया होगा कि गलत? सर सही है। सही है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या वन होता है? वन प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस वन, और नीचे क्या हुआ? कॉस थीटा साइन थीटा, वन से वन कट गया, तो यहाँ क्या बचा? सर इसमें तो ये कॉस थीटा साइन थीटा हटा लेंगे सर। कॉस थीटा यस सर साइन बट टू थीटा हट है सर, जाएगा, तो फिर ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन सी का, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो नाउ थर्ड में आओ, थर्ड में कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए और वन माइनस साइन ए, अनीशा सबको बदलो, सेक ए को बदलो टेन, सबको साइन कॉस में बदलना, अनीशा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग, ईशान, ईशान बोलो, सर श्री, मैं बता रहा हाँ हूँ बोलो वन श्रीजन, अपॉन साइन श्रीजन बोलो। सर, वन अपॉन कॉस ए सर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है प्रांजल, और वन माइनस साइन ए, क्या कॉस बाहर आ जाएगा या सिंपली कॉस इसमें से एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा? वन माइनस साइन है, बताइए। अच्छा वन प्लस साइन है और वन माइनस साइन है क्या होता है? ऐसा हो सकता है? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम आई ऑडिबल? तो यस सर, यस सर।
तो अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा, हमें याद नहीं है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, तो मैं साइन को उधर ले जाऊँ तभी पता चले, ऐसे याद होता तो मैं तो बता ही देता। तो ये बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो क्या कॉस ए कट जाएगा और कॉस ए बचेगा, बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा। वो हम लोग अलग से देख लें, वो अलग से देख लें, जो चीज़ आप पूछ रहे हैं कि कॉस ही कट गया तो कैसे बचेगा, ऊपर कॉस स्क्वायर है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको सेक ए प्लस टेन ए और क्या है, प्रवीण आपने पूछा है ना, तो फिर कुछ बताना भी पड़ेगा, सिंपली नहीं पूछा जाता है। तो सेक ए की वैल्यू बताओ, साइन के टर्म्स में या कॉस के टर्म्स में बताओ। नहीं बताना चाहते हो, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं और किसी से पूछ लूँगा। मैं किससे पूछूँ, आयुष बता लेंगे। आयुष बताओ सके। कॉस ए और प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। आप ये पूछा करो प्रवीण कि साइन ए बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कि हाइपोटेनियस बाई बेस। सर मुझे इसमें डाउट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो शोभा देता है ना, उसी तरीके से पूछा करो। तो 1 बाई कॉस ए कॉमन ले लिया क्या, ठीक है, और ये 1 बाई साइन है, 1 प्लस साइन है, ये बोलो 1 कॉस ए कॉमन आ गया दोनों में से, और ये 1 माइनस साइन है। तो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन से क्या बनेगा, हाँ, और अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि जिस दिन चैप्टर का अंत होता है उस दिन आप फार्मूले सीख रहे होते हो, तो इतना तो थोड़ा तो एक्सेप्ट करो कि तुम लेट लर्नर हो, अपनी मजबूरी भी तो समझो। तो फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। बहुत मेहनत लगती है कमज़ोर होने में भी, आप तेज होने में तो बहुत आसान है, सब लोग पढ़ पढ़ के, क्योंकि सब चीज़ें हम ही लोगों ने प्रूव किया है, हमारे जैसे लोग मैथमेटिशियन बने हैं, साइंटिस्ट बने, उन्होंने प्रूव किया तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कमज़ोर होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इट इज़ ए सस्टेनेबल अप्रोच, और ख़ुद को मेंटेन रखना, 10th तक कमज़ोर बना के रखना, इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 नीचे क्या है, प्लस है क्या, हमारी बुक में थोड़ा फॉन्ट कमज़ोर है, नीचे भी प्लस ही लग रहा है। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आयुष क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ कुणाल सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो साइन कॉस के टर्म्स में। प्लस में ना बोलो, अब साइन कॉस में बोलो। वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसमें किससे डिवीजन हुआ है, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलो और चीज़ों को पलट दो तो क्या होगा, क्या ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। लो, इन्होंने तो पहले ही बता दिया, तो टेन स्क्वायर ए कहाँ दिया है,
डी, तो डी करेक्ट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लेना। डी में भी पार्ट बाय पार्ट कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना। फिफ्थ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। सो मैं पहले एलएचएस ले रहा हूँ, ठीक है, और एलएचएस से क्या प्रूव करूँगा? नाउ, हाँ तो इसे ठीक करते हैं। कुछ कुछ हुआ? ठीक नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, कॉसेक थीटा को, श्रेयान आप बताओ, बहुत देर से नहीं पूछा गया आपसे, कॉसेक थीटा को क्या बोले? सबको साइन कॉस बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है कहीं आगे के 10 सवालों में। और हमने कहा साइन कॉस बोलो, तो आप 10 बोल रहे हो, फिर कैसे सवाल हल होगा? कॉस, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब अगर साइन थीटा में नीचे कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा? अच्छा अब ऊपर भी स्क्वायर लगाओ और नीचे भी स्क्वायर लगाओ, 1 बाई कॉस थीटा पे भी स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कोई मुझे बता सकता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? या ऐसा कभी पढ़ाओ, मुझे तो नहीं मालूम है। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा को किसने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? कुणाल ने ठीक बताया था इसका मतलब। अच्छा ये जो ऊपर है, क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है? और नीचे क्या आ गया? क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया? बोलो, ऊपर तो स्क्वायर बाहर लगा हुआ है ना, और नीचे इस पे लगाया साइन स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर बन लिया। लेकिन कोई मुझे बताए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 बी स्क्वायर ही मान लो ना थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखें? वन प्लस कॉस थीटा। तो ये चीज एक मैं काट दूं इससे? बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या ये आरएचएस आ गया है? हैंस प्रूव, तो ये प्रूव हो गया है, ठीक है। नाउ इट इज प्रूव्ड। लेकिन आयुष कह रहे हैं ये मेथड तो बड़ा कठिन है, आप आरएचएस से करते तो हमें आसान लगता है। तो मैं आयुष की बात ले रहा हूँ, कह रहे हैं आरएचएस से करते तो ये झंझट ही ना करना पड़ता, एक लाइन का सवाल है, हमने गाइड में देखा है। तो ये देखो, आर एच एस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो क्या कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है और ये क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है, यही तो बात है कि नहीं? तो ऐसा करने से क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी बात सही है। अच्छा अब ये बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले किसने बताया था, उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखो साइन थीटा होता है सर, सर साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर किसी ने बोला, किसने बोला है, कुणाल नहीं बोला होगा। तो क्या इसे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दें, और कुछ लोग इसे 1 बाई साइन थीटा समझ रहे हैं और कुछ लोग इसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा समझ रहे हैं, लेकिन जो इसे 1 बाई साइन थीटा समझ रहे हैं, क्या वे इसे कॉसेक थीटा समझ रहे हैं, और कुछ लोग इसे कॉट थीटा समझ रहे हैं, और क्या यही हमें प्रूव करने को दिया गया था। बीच में माइनस साइन है, माइनस लगाओ। लेकिन फिर भी पहला मेथड ज़्यादा आसान है, आपको कौन सा आसान लगता है? देखो पहला जिसने ये सीख लिया कि नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए दूसरा सही है। नाउ अब देखो कि आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट बताओ, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस बोलो क्या कहते हो, एनीथिंग, कॉस ए ये हमने एलएचएस लिया है, इज इट, इट इज एलएचएस, सो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब अस्मित बताओ कि अगर 1 प्लस साइन ए, क्या कह रहे हैं, सही एनी बॉदरेशन इफ देयर देन प्लीज एक्नॉलेज। क्लियर होनी चाहिए स्क्रीन। चलो जो भी चीजों में बता देना। अब ये बताओ कि अस्मित यहाँ पे क्या क्या आएगा, डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे की भी बात बताओ, मैं इसे कॉस स्क्वायर है तो लिख दूँ, इसे भी तो तोड़ो। टू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे क्या करूं, वन कर दें, 1 प्लस 1 कर दिया, एक और भी तो 1 लिखा है, चलो मैंने 1 प्लस 1 कर दिया, और प्लस 2 साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अस्मित आगे क्या करूं, चलो मैंने ले लिया, अब आगे क्या करूं, चलो ये भी बात आपकी मानी, अब क्या करूं, हाँ बता देंगे, अभी तो हम इनसे पूछ रहे हैं ना, अभी समझाने की प्रक्रिया है ही नहीं, अभी हम ये देख पा रहे हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ बोलो, तो क्या यही आर एच एस है, तो आर एच एस आ गया, यही आप प्रूव करना चाहते थे, ठीक है ना। अब जरा देखो कहाँ तक की टर्म समझ में आ गई, ये आ गई, बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हुआ,
तो 2 + 2 साइन ए हुआ, 2 कॉमन लिया तो 1 + sin a हुआ। क्या वो नीचे के 1 + sin a से कट गया? तो क्या 2 / cos a हुआ? हाँ सर आ गया। ओके okay. स्टार्टिंग में नहीं आया तो स्टार्टिंग से समझो कि दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे सर मेरे से। अभी तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे जब इसको खुद करोगे। तो चीज़ों में आपको अभी फार्मूले में दिक्कत है ना, तो फार्मूले लगाने सर ये समझ नहीं आ रहा इसमें। फार्मूले कौन से फार्मूले? पहले फार्मूले आपको याद होने चाहिए ना। तो अभी एक दो बार इसे करोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे इसको फिर से एक्सरसाइज कराई जाएगी, देन ओनली यू विल गेट इट प्रॉपरली। ओके, तो मैंने इसमें आपको क्या बता दिया कि नाउ इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, आपको इसका बता दिया गया है कि कॉस ए एंड 1 + sin a। तो यहीं तक अभी रखते हैं, और ये जो सवाल आपको कराए गए हैं जस्ट गो थ्रू देम, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सो दैट अभी नेक्स्ट टाइम हम आपका स्क्रीन ऑन करा के आपसे फार्मूले पूछेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। देन इफ़ यू गिव मी समथिंग देन आई विल गिव यू मोर। ओके ओके, साइंस होगी कल। ओके सर, थैंक यू।